राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता रमटा, मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन व प्राचार्य डाइट डॉक्टर शैलेंद्र धपोला द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महोत्सव में राज्य स्तर पर विज्ञान संगोष्ठी में प्रथम स्थान प्राप्त उत्कर्ष धपोला, थल सेना कैंप में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले कैडेट नरेंद्र असवाल व पवन कुमार को सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों की सराहना की गई। प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने समस्त अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। मेरा नाम सपना कुमारी है, मैं आईसी गागरीगोल से आ रखी हूँ और मैं अभी जीआईसी बागेश्वर में हूँ। आज विज्ञान महोत्सव के महोत्सव में आ रखी हूँ। आज मैंने बना रखा है स्पीड ब्रेकर विद पावर जनरेट। हमारे पहाड़ों में अधिक से एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये हमें मालूम है कि रोज़ एक्सीडेंट के केस मिलते रहते हैं हमें, तो मैंने बना रखा है मोड। हमारे पहाड़ों को पता नहीं रहता कि कौन गाड़ी आ रही है और कौन गाड़ी जा रही है, तो इस कारण हर हाईवेज मोड पे ये बजर लगाए जाए तो एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बजर लगा रखा है अभी, तो यहाँ पर ये जो गाड़ी जा रही है ये गाड़ी बताएगी कि गाड़ी यहाँ से आ रही है तो ये अपनी साइड चलेगा, ये एक्सीडेंट होने से बच सकता है हमारा। और ये गाड़ी यहाँ से और ये गाड़ी, ये दो की दो गाड़ी जैसे कि अभी साउथ उसमें है, तो ये रेड अलर्ट चल रखी है हमारी, तो ये बताएंगे कि अभी खतरे पे है तो ये अपनी ओर रुक जाएंगे। और जैसे कि क्यों गाड़ी चलेगी हमारी, तो यहाँ पर रेड ग्रीन एलईडी जल गई, तो ये इसको पता चल जाएगा कि गाड़ी चलेगी और ये अपनी ओर चलेंगे, सावधान पूर्वक चलेंगे ये अपनी ओर। नमस्कार, मैं आदित्य जोशी कक्षा 8 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर का छात्र हूँ। आज मैं साइंस एग्जीबिशन में जीआईसी बागेश्वर आया हुआ हूँ, तो इसमें मैंने जो हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज, और इसमें मैंने जो टॉपिक सब टॉपिक चूज़ किया है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो इसमें मैंने दिखाया है इन्वायरमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसको मैंने दिखाया है इसमें, वो काफ़ी पिघलता जा रहा है। इसमें मैंने दिखाया है 1935 में यह जो गंगोत्री ग्लेशियर था उसकी रेखा यहाँ तक थी, और फिर यह पीछे खिसकते खिसकते 2022 में यहाँ तक पहुँच चुका है। ये रेड एरिया है और ये हमारे लिए काफ़ी भविष्य में बड़ा जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जो तटीय इलाके हैं उनमें बाढ़ आ सकती है। यहाँ जो चौकंबा स्थल है वहाँ पे गौमुख नामक स्थल है जहाँ से जो गाय के आकार का था वो रह नहीं चुका है ग्लोबल वार्मिंग और ये टेम्परेचर चेंज की वजह से। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है जो कि देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा के साथ गंगा नाम इसका पड़ जाता है। यह पूरे उत्तर भारत से, पूरे पश्चिम बंगाल से फिर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है यहाँ हमारे पेड़ पौधे, हम मनुष्य इसे काटे जा रहे हैं और जंगल काफ़ी नष्ट हो रहे हैं, पशु पक्षी भी वहाँ अपना स्थान छोड़ रहे हैं और शहरों की तरफ आ रहे हैं। और जो हमारी धरती है वो कह रही है सेव मी माई फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने दिखाया है ओखला पहाड़ जो दिल्ली का पहाड़ कूड़े का पहाड़ है, वहाँ लोगों को काफ़ी भयंकर भयंकर बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, और वहाँ फॉगी फॉग रहता है और वो फॉग होता है सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन का। यहाँ पे मैंने दिखाया है हाईवे को जिसमें काफ़ी सारी गाड़ियों की कतार है और इन गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है और इनसे काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। यहाँ पे मैंने दिखाया है फैक्ट्री को जिस फैक्ट्री से काफ़ी गंदा धुआं निकलता है। ये है एक घर जिसमें लोग काफ़ी सारी मंजिलें हैं, इसमें लोग भरपूर इसके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और यही सब कारण है कि हमारे जो अर्थ की 5 लेयर्स होती हैं उनमें से एक लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो उसको उसमें छः उसमें उसको डिप्लीट करने का यह काम कर रही है। हमारी ओजोन लेयर में पतली होती जा रही है वो, और जो अभी हमें सूत्रों के मुताबिक हमने यह पाया है कि जो अंटार्कटिका और अर्जेंटीना का क्षेत्र है वहाँ यहाँ एक क्षेत्र पाया गया है जो कि सितंबर और से लेकर दिसंबर तक काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके निवारण हेतु मैंने यहाँ पे दिखाया है अपने मॉडल में। ये है हमारा हरा भरा जंगल जहाँ हमने काफ़ी सारे एक पेड़ काटने के जब हम एक पेड़ काटते तो हमें 10 पेड़ लगाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, तो यहाँ पे हमने खूब सारे पेड़ लगाए, यहाँ पे खूब सारे जानवर हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया है एनर्जी को, जो हमारी विंड एनर्जी है उसको हमें अधिक से अधिक यूज़ करना चाहिए।
अगर इस विंड एनर्जी के माध्यम से हम अपनी जो एनर्जी है उसे काफ़ी बचा सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी आसानी से रिन्यू हो जाती है, एयर है, एयर के माध्यम से। ये है हमारी सोलर एनर्जी का सोलर प्लेट, इससे ये भी हम यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी यह लक्ष्य है। उन्होंने भदला राजस्थान जोधपुर में एक सोलर पार्क की स्थापना 2021 में की है। और यहाँ पे मैंने दिखाया है प्लास्टिक के लिए दो कूड़ेदानों को, एक जैविक और एक अजैविक। तो जैविक कूड़ेदान में हम डालेंगे जो हमारे घर का फल सब्जियों का वेस्ट है उसे हम इसमें डालेंगे, जिसकी हम घर ही में खाद बना सकते हैं गड्ढा खोदकर। और जो अजैविक कूड़ेदान है उसमें भी हम दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं उनमें हम रद्दी जो और जो कागज़ है उसे हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, और जो नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक है उसको हम अपने जो नगर पालिका है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दे सकते हैं, और फिर वो उसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सीमेंट फैक्ट्रीज को दे सकते हैं जो कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दिखाया है मशीन्स को, एक है श्रेडिंग मशीन और एक है क्लीनिंग मशीन। क्लीनिंग मशीन के माध्यम से जो हमारा जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है हम उसको इसमें डालेंगे और वो आसानी से साफ हो जाएगा। आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में जनपदीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में ये विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पहले विद्यालय स्तर पर, उसके बाद विकासखंड स्तर पर और आज जनपद स्तर पर विज्ञान महोत्सव हो रहा है। जो बच्चे चयनित होंगे वो 42 छात्र आज चयनित होंगे जो विभिन्न गतिविधियों में विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेला और विज्ञान ड्रामा में राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा होती है, उनमें वैज्ञानिक समझ विकसित होती है, प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास होता है, प्रश्न पूछने की आदत विकसित होती है। तो यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वो प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक इसी भावना को लेकर विज्ञान महोत्सव आयोजित होता है जिसमें बड़े उत्साह से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि बच्चे जो चयनित होंगे वो राज्य स्तर पर अपना बेहतर प्रदर्शन करें और जनपद का नाम रोशन करें। आज यहाँ GIC के ये हॉल में जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तीनों ब्लॉक से बच्चे के स्कूलों से बच्चे यहाँ पर चुनकर आए हैं, जिनको उन्होंने ब्लॉक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो यहाँ पर चुनकर आए हैं, और उनके मॉडल्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो यहाँ पर स्थान प्राप्त करेंगे फर्स्ट और सेकेंड वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे राज्य स्तर पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ के बच्चों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है राज्य स्तर पर, और यहाँ पर आज जो बच्चे चुनकर जाएंगे वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करते हैं, जिसके द्वारा ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जिसके द्वारा ये जो वैज्ञानिक सोच लेकर जब बच्चे बड़े होंगे तो समाज की कुरीतियों का अंधविश्वास में बहुत अधिक तक खात्मा करने में हमें मदद मिलेगी। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।